आटा गूंथने की ये जो मशीन है 10 किलोग्राम आटा सिर्फ 5 मिनट में गूंथ कर रेडी कर देती है। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट में। एक नहीं बल्कि 3 मशीन्स लेकर आए हैं और तीनों कितना फास्ट वर्क करती हैं अभी आप देखिएगा। आटा मिक्स करने के लिए यह रेक्टेंगुलर शेप डो नेडिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसे गौरंग एंटरप्राइज के द्वारा बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं एक डिजिटल कंट्रोल पैनल दिया गया है, यहीं से आप मशीन कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके नीचे स्टार्ट बटन के बगल में इमरजेंसी स्विच दिया गया है, यदि कभी इमरजेंसी होती है तो बटन दबाते ही मशीन रुक जाएगी। इसका वेट 101 किलोग्राम है, लेकिन टेंशन न लीजिए, नीचे व्हील लगे हुए हैं तो उठाने में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुश करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर जो हॉपर दिया गया है इसमें आटा मिक्स होता है। इसकी बॉडी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील 304 की बनाई गई है, तो आटा की क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, मिक्सिंग करते टाइम आप इसे बंद कर सकते हैं क्योंकि मशीन स्टार्ट करने पर इसके प्लेट काफ़ी स्पीड में रिवॉल्व करते हैं, इससे आटा थोड़ा बहुत बाहर निकल सकता है। यहाँ हॉपर के अंदर देखिए, इसमें प्लेट लगे हुए हैं, यही प्लेट आटा मिक्स करते हैं। ये मशीन मोटर से चलती है, तो मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पर चैन लगा हुआ है। आटा गूंथने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आटा इसके हॉपर में डाल दीजिए। डालते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि अधिक ना डालें, जितना इसकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम ही डालें। आटा डालने के बाद पानी डाल दीजिए। अब इस कवर को बंद करके यहाँ से लॉक कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा भी बाहर ना निकले। डालने के बाद जैसे ही मशीन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखिए मोटर चालू हो गया है और मिक्सिंग भी स्टार्ट हो गई है, अंदर आटा मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग करने में बहुत समय नहीं लगेगा, यदि 10 किलोग्राम आटा डाले हैं तो सिर्फ 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। अभी आप चाहें तो कुर्सी लगाकर बैठ भी सकते हैं क्योंकि आटा मिक्सिंग का पूरा काम इसमें ऑटोमेटिक हो रहा है। इस चैन के ऊपर एक कवर लगा हुआ है जिससे किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। यहाँ पर जो डिजिटल कंट्रोल पैनल दिया गया है, इसमें आप चाहें तो टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम तक आटा मिक्स करना चाहते हैं। जब आटा अच्छी क्वालिटी में गूंथ जाता है तो उससे आप चाहे रोटी बनाएं, पूरी बनाएं या फिर पानी पूरी, इन सब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें 1 HP का मोटर लगा हुआ है, तो मशीन काफ़ी पावरफुल है। एक साइड चैन स्पैकेट लगा है तो दूसरी साइड बैरिंग लगाई गई है, इससे मशीन काफ़ी स्मूथ वर्क कर रही है और नॉइज़ बहुत कम क्रिएट होता है। हालांकि 10 किलोग्राम आटा मिक्स करने में सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगेगा, लेकिन यदि आप टाइम और बढ़ाना चाहते हैं तो टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जैसे ही इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ये देखिए मशीन ऑटोमेटिकली ही रुक गई है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए इसका कवर ओपन कर लेते हैं और यहाँ साइड में एक लॉक करने का ऑप्शन दिया गया है, इससे हॉपर लॉक हो जाता है। सबसे खास चीज़ तो ये है कि मशीन में टिल्टिंग ऑप्शन दिया गया है, पूरा हॉपर टिल्ट हो जाता है, आपको उठाकर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि टिल्ट करके आप आसानी से आटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो आटा गूंथा गया है, आप इसकी क्वालिटी बताइए आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही मशीन तैयार की जाती हैं। गूंथा तो अच्छे से है, लेकिन एक चीज़ है कि पूरा आटा अलग अलग है। लेकिन अभी हम आपको जो राउंड शेप वाली मशीन दिखाएंगे, ये मशीन बिल्कुल घर की तरह आटा गूंथती है। जी हाँ बिल्कुल, एकदम घर की तरह। इस मशीन का यूज़ करके आप रोटी, पानी पूरी, पराठा वगैरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन यदि पापड़ बनाना है तो उसके लिए मिक्सिंग के साथ साथ गर्म भी करना पड़ता है, तो इसके लिए यह पापड़ आटा मेकर बहुत बेहतरीन काम करती है। अभी तक आपने जितने भी डोनेटर देखे हैं उन सभी से इसका मॉडल और वर्किंग अलग है। इसमें आप देखिए बाउल के नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, इसे गैस से ज्वाइंट कर देते हैं। बर्नर लगे होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मिक्सिंग होने के साथ साथ आप इसे पका भी सकते हैं। पापड़ के लिए डो तैयार करने में सबसे पहले पानी गर्म करते हैं, और जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो जाता है तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट और नमक वगैरह डालकर उबालते हैं। कुछ देर बाद जब इसमें उबाल आने लगता है तो बाउल को रोटेशन स्टार्ट करके इसमें मूंग दाल का आटा डाल दीजिए, जितना हॉपर की कैपेसिटी है इससे थोड़ा कम ही डालें। डालने के बाद जैसे ही मशीन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखिए बाउल रोटेट होने के साथ साथ इसका प्लेट भी चल रहा है। इस प्लेट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम बराबर मिक्सिंग होती है। रोटी पूरी के अलावा जिसमें मिक्सिंग करनी होती है उसके लिए ये मशीन एकदम बेस्ट है। बाउल भी घूम रहा है और साथ में प्लेट भी चल रही है, तो मिक्सिंग करने में बहुत समय नहीं लगता है। बर्नर का फ्लेम कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मशीन 2-in-1 है, बाकी मशीन्स में आपको मिक्सिंग करने के बाद पकाना पड़ता था, लेकिन इसमें मिक्सिंग होने के साथ साथ पक भी रहा है। अब जैसे ही मिक्सिंग हो जाए तो इसका नट ओपन करके ऊपर का प्लेट निकाल सकते हैं, यहाँ से इसे ऊपर कर दीजिएगा। इसके बाद बाउल निकालना काफ़ी आसान है, निकालते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक्चुअली बाउल गर्म रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि पापड़ का आटा एकदम से मिक्स हो गया है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मिक्सिंग हुई है, इससे पापड़ तो काफ़ी अच्छा बनने वाला है।
अब रीगन इक्विपमेंट्स की एकदम कॉम्पैक्ट साइज यह डोनेटर मशीन देखिए। यह मशीन साइज में बहुत छोटी है, आप 5 किलोग्राम कैपेसिटी से लेकर 50 किलोग्राम कैपेसिटी तक ले सकते हैं। अभी आप जो मॉडल देख रहे हैं ये 10 किलोग्राम कैपेसिटी की है। इसका बॉडी और रोटर स्टेनलेस स्टील से डिजाइन किया गया है और यहाँ पर आप जो बाउल देख रहे हैं ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसमें 1.5 HP का मोटर लगा हुआ है और इसे कवर भी किया गया है, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखे हैं जिससे कि किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। वर्किंग के लिए गेयर बॉक्स सिस्टम दिया गया है, इससे मशीन काफ़ी स्मूथ वर्क कर रही है। इसके द्वारा डो तैयार करना काफ़ी इजी हो जाता है, आप सिर्फ आटा डालने के बाद मशीन ऑन कर दीजिए। इसके बाद प्रीफर्ड क्वांटिटी में पानी ऐड कर दीजिए, एक ही बार में पानी बिल्कुल ना डालें बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, इससे अच्छे क्वालिटी में डो तैयार होता है। जैसे ही थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए तो इसमें फिर से पानी ऐड कर दीजिए। 10 किलोग्राम आटा मिक्स करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5-6 मिनट का टाइम लगेगा। अभी जो बाउल रोटेट कर रहा है इसे लॉक कर दीजिए, लॉक करने से रोटेट नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दीजिए। इसका आप साइज़ देख सकते हैं, बहुत बड़े साइज़ की नहीं है। इसका लेंथ 41 इंच, विड्थ 24 इंच और हाइट 39 इंच है। तो ये मशीन आपके छोटे से होटल में भी आसानी से आ जाएगी। जैसे जैसे मशीन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है तो इसका साइज़ भी बढ़ता है। इसका वज़न देखा जाए तो 125 किलोग्राम है। इसका यूज़ करके आप सिर्फ एक घंटे में 200 किलोग्राम आटा गूंथ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 200 किलोग्राम। इसका मतलब अधिक क्वांटिटी में आटा गूंथने के लिए ये मशीन काफ़ी यूज़फुल रहेगी। यहाँ पर जो आटा मिक्स हो रहा है इसकी क्वालिटी आपको कैसी लग रही है नीचे मुझे कमेंट करके अभी बताइए, बाद में नहीं तुरंत बताइए, मैं सभी के कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। जहाँ पर अधिक क्वांटिटी में रोटी या फिर पूरी बनाते हैं वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि वर्कर अच्छे से आटा ही नहीं गूंथते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत आटा गूंथने में ही करनी पड़ती है। जब आटा पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो आटा काफ़ी वजनी हो जाता है, उसी मेहनत को कम करने के लिए इन मशीन्स को बनाया गया है। जहाँ पर 10 किलोग्राम आटा गूंथने में आपको लगभग आधा घंटे का समय लग जाएगा, वहीं पर ये मशीन सिर्फ 5-6 मिनट में गूंथ कर रेडी कर देती हैं। अभी देखिए आटा गूंथ कर एकदम से रेडी हो गया है, जिस तरह घरों में आटा गूंथते हैं सेम उस तरह रेडी हुआ है कि नहीं। यदि आप इस मशीन का प्राइस या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वेबसाइट में विजिट करके प्राइस जानने के साथ साथ ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस चैनल में सिर्फ आटा गूंथने की मशीन ही नहीं, चाहे फूड मशीन्स हो, एग्रीकल्चर मशीन्स, कंस्ट्रक्शन मशीन या फिर फैक्ट्री सेटअप, हर तरह की छोटी बड़ी मशीन्स अवेलेबल है। आपने देखी क्या? नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिए, बाद में नहीं अभी करिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सभी मशीन्स आपके बिजनेस में 2-3 गुना ग्रोथ लाती हैं। तो चैनल पे विजिट करके इन सभी मशीन्स को देखिए, हो सकता है कोई एक मशीन आपके मेहनत भरे काम को इजी बना दे। चलिए अभी मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार खाना बनाने की ऑटोमेटिक मशीन वीडियो में। जी हाँ बिल्कुल, खाना बनाने की ऑटोमेटिक मशीन है। चलिए थैंक यू सो मच।